सैर कर दुनिया की मुसाफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो नौजवानी फिर कहाँ। जय हिंद दोस्तों, ये लाइंस और आज का वीडियो उनके लिए है जिनको बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कोई बाइक लेने का, तो बढ़ती पेट्रोल के दामों को देखकर एक बार मन इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जरूर जाता है। साथ ही इलेक्ट्रिक बाइक के लिए ये मन में सवाल उठता है कि उसकी बैटरी कितनी इफ़िशियंट होगी, या फिर इलेक्ट्रिक बाइक की लाइफ कितनी होगी, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक बाइक की सक्सेस रेट क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आलोक सिंह, आपका होस्ट और दोस्त, आपके साथ एक डिटेल्ड और हेल्दी एनालिसिस करूँगा कि क्या खूबियां और खामियां है इलेक्ट्रिक बाइक की ओवर द पेट्रोल बाइक। इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक को एक बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। दोनों बाइक्स की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, दोनों बाइक में डिफरेंस क्या है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों बाइक्स में डिफरेंस क्या है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों बाइक्स की इफिशियंसी क्या है, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक बाइक की पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी पड़ती है, और लास्ट में हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं पेट्रोल बाइक की। पेट्रोल बाइक जिसमें कि हम फ्यूल के रूप में पेट्रोल का ही यूज करते हैं, इसमें जो इंजन यूज होता है इसे हम इंटरनल कंबसन इंजन यानी IC इंजन के नाम से जानते हैं। स्पार्क प्लग की हेल्प से एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जलाते हैं और उससे एनर्जी जनरेट करते हैं जिससे बाइक रन करती है। जली को आग कहते हैं और जलने के बाद जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन करता है उसे धुआं कहते हैं, और इस धुएं को निकलने के लिए बाइक में एक आउटलेट लगा होता है। इस आउटलेट से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए एक मेन विलन का रोल प्ले करते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रिक बाइक के वर्किंग प्रिंसिपल की, तो जैसा कि नाम से ही प्रेडिक्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब ऐसा नहीं है कि घर में प्लग लगाकर बाइक जहां तक जा रही है साथ में इलेक्ट्रिक केबल लेकर जा रहे हैं। इन स्पाइट इलेक्ट्रिक बाइक में लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है, वही लिथियम आयन बैटरी जो हमारे फोन में लगा होता है। जैसा कि हम फोन को चार्ज करने के बाद कुछ देर तक यूज कर पाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक बाइक को भी चार्ज होने के बाद लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है बाइक टू बाइक या स्कूटी टू स्कूटी पे। चलिए देखते हैं कि पेट्रोल बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक में क्या डिफरेंस है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पेट्रोल बाइक से CO2 निकलता है जो कि एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है। वही दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक बाइक जो कि बैटरी से चलती है, इसका इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बैड इफेक्ट नहीं है जनरली। और पेट्रोल बाइक का जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एयर पॉल्यूशन तो करता ही है और टाइम के साथ साथ नॉइज पॉल्यूशन भी करना स्टार्ट कर देता है। चलिए अब बात करते हैं खर्चा पॉइंट ऑफ व्यू यानी कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, हम कितना भी इन्वायरमेंट कर ले, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो माइंड यूनिडायरेक्शनल सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बेसिक प्राइस भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी ज्यादा है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम कितना भी चाइना के प्रोडक्ट का बाइकआउट कर ले, लेकिन अगर ऑर्डर करते हैं या मार्केट जाते हैं तो चाइना का ही फोन लेकर आते हैं, क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक इतनी महंगी क्यों है आखिर? तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक बाइक में जो मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है वो है इलेक्ट्रिक बाइक में यूज होने वाला लिथियम आयन बैटरी, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक का 30 से 40% कॉस्ट ऑक्यूपाई करता है। इसका रीजन ये है कि लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होता, बल्कि इंडिया, चाइना और ताइवान से इसे इंपोर्ट करता है। दोस्तों, दुनिया के वो देश जहां पे लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होता है उनमें ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना है। तो कल को अगर इंडिया चिली या ऑस्ट्रेलिया से लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट करता है, वो भी चाइना से सस्ते दामों में, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंडिया में सस्ती हो जाए। चलिए बात करते हैं दोनों बाइक्स के इफिशियंसी के बारे में। बात करें इफिशियंसी की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बाइक को रिफिल करवाने जाते हैं तो हार्डली 5 से 10 मिनट लगता है, लेकिन वहीं पे जो इलेक्ट्रिक बाइक का चार्जिंग टाइम है वो 4 से 5 घंटे है, और जनरल बाइक से या स्कूटी 100% चार्ज होने के बाद 80 से 100 या 120 किलोमीटर चल सकती हैं। वहीं बात करें पेट्रोल बाइक की, तो अगर टंकी में पेट्रोल फुल है तो वो 500 से 700 किलोमीटर तक रन कर सकता है। चलिए बात करते हैं दोनों के रनिंग कॉस्ट की। दोस्तों, अगर कोई पेट्रोल बाइक जो कि
कि 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे रही है और हम पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये पर लीटर माने तो पेट्रोल बाइक से 2 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट निकल कर आती है। वही हम बात करें इलेक्ट्रिक बाइक की, जो कि 100% चार्ज होने के बाद 100 किलोमीटर चल सकती है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मैक्स टू मैक्स 7 रुपये पर यूनिट भी मान ले तो इलेक्ट्रिक बाइक से मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर की कॉस्ट निकल कर आती है। और ऐसे जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता ही नहीं हो, वहाँ तो बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बाइक लो, चार्ज करो, चलाओ। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हुए कंक्लूजन के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डेली 100 किलोमीटर के अंदर ट्रैवल करना है और आप पेट्रोल के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिक बाइक के साथ जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक इको फ्रेंडली भी है, लेकिन हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इलेक्ट्रिक बाइक से बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता या ये 100% इको फ्रेंडली है, क्योंकि जिस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है कोयले से। और आप भली भांति वाकिफ होंगे कि कोयले का जलना इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी ध्यान दें। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो 30-40% कॉस्ट होता है बाइक में, वो लिथियम आयन बैटरी का होता है। और इस बैटरी की जो लाइफ होती है वो 5-6 साल होती है और लगभग 1-1.5 लाख किलोमीटर तक चल जाती है, जो कि ठीक भी है, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद आप 2 लाख रुपये का पेट्रोल भी बचा चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी किसी अन्य ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।